नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है, और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन हम अक्सर देखते रहते हैं कि सभी परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और उन झगड़ों से पूरे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, वही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है झगड़ों का, आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे। और हम इसमें आज यह भी जानेंगे कि कैसे हम इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस आपको यह कहानी पूरी और ध्यान पूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आप सारा खेल समझ पाओगे, अन्यथा आप कुछ चीजों से वंचित रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था, उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा बहुत ही सुखी परिवार था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी रहते थे। वह सेठ सभी लोगों की मदद भी किया करता था। उस सेठ के पास कभी भी कोई चीज की कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए, वह बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा। सेठ ने गोपाल को खूब स्नेह दिया, उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतों को अच्छे से ख्याल रखा और उनको पूरा किया। कुछ वर्षों के पश्चात सेठ को और एक पुत्र हुआ। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, उसने दूसरे पुत्र का नाम श्याम रख दिया। वह अपने दोनों पुत्र गोपाल और श्याम से बहुत स्नेह करता, उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिश को पूरा किया, जो भी गोपाल और श्याम ने उसे मांगा वह सब कुछ सेठ ने लाकर दिया। कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब यह मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, गोपाल और श्याम बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही मेरा सारा व्यापार संभाला है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ आया करो और मेरे से व्यापार के बारे में लिखा करो कि कैसे क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज गोपाल और श्याम सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने व्यापार के उच्च नीच के बारे में सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। गोपाल बोलता कि मैंने इतना काम किया है तो कुछ नहीं करता, तो श्याम बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, जितना हक आपका है उतना मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उनके झगड़े होना शुरू हो गए थे। वह दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए।
अब तो उन दोनों का आसपास में सभी को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है। एक बार गोपाल अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि अरे यार, व्यवसाय में पूरा काम मैं ही करता हूँ, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता। यह सुनकर गोपाल के दोस्त ने कहा, देख भाई, मेहनत तो तू कर रहा है और तेरा भाई पका पकाया हुआ खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वह काम नहीं करे तो तू उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहला हक तेरा ही है। अपने दोस्त की बातें गोपाल के मन में बैठ गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो शाम को व्यापार से निकाल ही दूंगा। उधर श्याम भी जब अपने दोस्तों से मिला तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार, बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते हैं नहीं, मुझे ही बोलते रहते हैं। अरे यार, बड़े हैं तो क्या हुआ, वह जैसा कहेंगे मैं वैसा थोड़े करूंगा। आखिरकार वह व्यापार जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। यह बातें सुनकर श्याम के दोस्त बोले, यार तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो कुछ करता है नहीं, बस तेरे से ही काम करवाता है और खुद मजे में रहता है। यार देख, तू अपने भाई से बच के रहना, कहीं वह तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी खुद के पास ही ना रख ले और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें श्याम के मन पर घर कर गई। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब यह दोनों एक दूसरे को इन नजरों से देखते मानो एक दूसरे के वह सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को तो इन बातों का पता भी नहीं था कि दोनों भाइयों में इतना झगड़ा किस बात से हो रहा है। वह तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी, बचपन में भी तो ऐसे ही लड़ते थे और फिर सब भूलकर एक साथ खेलने लग जाते थे। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा इनका झगड़ा, लेकिन समय के बीतने के साथ उन दो भाइयों का झगड़ा बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। फिर सेठानी ने कहा कि हम दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो यह अपना बचपना छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर वह कुछ दिनों बाद ही गोपाल और श्याम की तो सुंदर कन्याओं से विवाह करवा देते हैं, लेकिन गोपाल और श्याम के झगड़े तो फिर भी नहीं रुके, बल्कि बाद में तो वह झगड़े और बढ़ गए। अब दोनों भाइयों को बस यही बात सताती रहती कि कहीं व्यापार उनके हाथों से ना निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की चुगली करते। गोपाल कहता कि मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना, और उधर श्याम भी अपने बड़े भाई गोपाल के लिए यही कहता कि मेरा भाई सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। उधर घर पर भी काम को लेकर उनकी पत्नियां आपस में झगड़ते रहती। एक कहती कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं? दूसरी भी यही कहती कि मेरा पति भी तो इतना कमाता है, फिर मैं भी काम क्यों करूं? सेठानी उनके चक्रों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रुकती नहीं थी। सेठ ने भी यह देखकर सोचा, यह मेरे घर का क्या हाल हो गया है, एक समय था जब मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करता था, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर यह लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि अब मैं दोनों बेटों को अलग कर देता हूँ ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर से अपने दोनों को अलग अलग कर दिया, आधा व्यापार गोपाल को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया।
अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते हो। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते ग्राहकों से, जिसका असर उनके व्यापार पर भी पड़ा और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों के झगड़ों का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को बरकाते रहते कि तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम कीमत पर सामान दो ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे से ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे लोगों की बातों में आकर। दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों भाइयों का व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। लोग उनसे कम से कम कीमत पर सामान खरीदते और कुछ लोग तो उनसे उधार भी ले जाते और वह दोनों भाई भी उनको सामान दे देते ताकि वह उनसे ही सामान खरीदे और उनकी प्रशंसा करें। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वह दोनों अमीर सेठ से गरीब सेठ बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो करे क्या। तभी वह दोनों अपने पिताजी के पास आए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे क्या करते थे? हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया व्यापार करने का, पर हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पिताजी तभी से हटने गोपाल और श्याम से कहा, क्या वाकई में तुमने अच्छे से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। तब दोनों भाई अपने पिता से बोले कि पिताजी, अब बताइए हम क्या करें। तब सेठ ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरुदेव ही दे सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। वह पासी के नगर में नदी के किनारे में आश्रम बनाकर रहते हैं। वह तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी किनारे पहुंचे। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह दोनों भाई उनके पास गए और उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। बहुत भिक्षु ने उनसे पूछा कि बालों को तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वह दोनों बोले कि हमारी समस्या है। पिताजी ने कहा है कि आप उस समस्या का समाधान बता सकते हैं, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बहुत बिच्छू ने उन दोनों से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तभी वह बोलते हैं कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यवसाय बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, पर फिर भी हमारा व्यवसाय बड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। बहुत बिजी हो। दोनों भाइयों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान और उधार क्यों दिया? तभी गोपाल बोला कि हम चाहते थे कि वह हमेशा हमसे ही सामान खरीदे ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर बहुत भिक्षुओं ने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीदे? ये तभी श्याम ने बोला कि ऐसा हमसे दूसरे व्यापारियों ने कहा था कि अगर हम सामान कम कीमत पर भेजेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे, फिर हम धीरे धीरे सामान को ज्यादा कीमत पर भेजेंगे, तभी वह सामान हमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरुदेव, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं।
हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था। धनवान सेठों में उनका नाम आता था। पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। फिर बहुत भिक्षु उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही तो होते हैं जो तुम्हारी समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से ना कहकर दूसरों को कही है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी सही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि वह तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे और गलत गलत बातें बताएंगे, जो बात है ही नहीं। उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या से जूझ रहे हो। आप तो उनके पास हल खोजने के लिए जाते हैं, पर आपको वह समझाने की जगह और भी उलझा देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम्हें और तुम्हारे भाई में अगर नहीं बनती है तो यह बात तुम दोनों को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर तुम दोनों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की बुराइयां करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी ही कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में तुम दोनों की नहीं बनती। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या यह सब बताने के बाद लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी है? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है, ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो। वह हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात नहीं माने देगा। वह तो यही चाहेगा कि कैसे भी वह सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए। वह लोगों को कभी सही राय ही नहीं देगा। और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। क्या तुमने उस वक्त एक बार भी अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी, आप व्यवसाय किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ थे। क्या तुमने कभी उनसे राय ली, उनसे सलाह मशवरा किया? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरों को पूछने के बजाय अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारा व्यवसाय पर बात नहीं होता। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरों से मत करो। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ यह करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे माता ने वैसा किया, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तू सुनता क्यों है उनकी, तू भी उनकी बातें मत सुन, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से हैं, पर उस आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जलकर राख बन जाएगा। तुम दोनों ने ही एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़काया है, जिससे हुआ क्या, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई आग से तुम दोनों ही बर्बाद हो गए।
इसीलिए कभी भी अपने घर के सदस्यों की बुराई किसी के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में ही बैठकर घर पर ही सुलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल अवश्य ही निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े सेठ बनते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो हो दोनों मिलकर दो। अपनी मेहनत करके अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने तो एक दूसरे की बुराई करने में ही सारा वक्त निकाल दिया। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उन बातों से परिवार को कभी भी करना नहीं चाहिए। जहां 5-10 लोग रहेंगे वहां कुछ ना कुछ मनमुटाव तो जरूर होगा, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर तुम उन छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी बढ़ जाएगी। अगर आपसे बड़े आपको तो बात बोल भी दे तो उन बातों को सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी उनको साथ साथ जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए ताकि उनके हर और उनके भावनाओं का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे। हमेशा परिवार के लोगों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें। परिवार के साथ से और अपनी ईमानदारी से तुम दोनों अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी यह बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद गोपाल और श्याम बहुत भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह वादा करते हैं कि अब वह मिलजुल कर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे। कभी फिर से दूसरों की बातों पर नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी को बताएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं अपने इस कहानी से जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।